स्वागत है आपका RTS न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ फिरदौस। खबर नागौर से है जहाँ पर कालडी सरपंच बालाराम जड़ा SEP के हत्थे। घूसखोर सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति राशि की एवज में ली थी 2000 रुपए की रिश्वत। SEP ने रंगे हाथों किया ट्रैप। आरोपी सरपंच बालाराम जाट 25 की में घटना को दिया अंजाम। आरोपी मांग 2000 रुपए, 3000 रुपए के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने रंगे हाथों 2000 रुपए की रिश्वत लेने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नागौर से ब्यूरो चीफ केशाराम गढ़वार की रिपोर्ट। बने रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए RTS न्यूज पर। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी ने इस आशय की शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका जो आवास स्वीकृत है उसकी 2 किस्तें उसे प्राप्त हो चुकी है। तीसरी किस्त देने के लिए सरपंच उससे जो है 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। इस शिकायत पर ब्यूरो द्वारा सत्यापन करवाया गया तो 8,000 रुपये देने पर सौदा तय हुआ और शिकायतकर्ता की बात सही निकली। उस पर ACB ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को 2000 रुपये रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सत्यापन के समय 3000 रुपये रिश्वत की राशि सरपंच ने प्राप्त कर ली थी और 3000 रुपये की राशि जो है वो किस्त जमा होने के बाद देना तय हुआ है। टोटल 8000 रुपये की डिमांड सरपंच के द्वारा की गई। सर, सरपंच को कहाँ से ट्रेन? सरपंच को जो है अपना कलेक्ट्रेट चौराया है, SP साहब के निवास के सामने आम रोड पर जो है उसमें रिश्वत की राशि ली थी परिवादी से, वहीं से उसको ट्रैक किया। ठीक है।